fill the bins to everybody. Vijay ji, it's your session. You please take it ahead. अजीब दास्तां है ये, आज के शो का नाम है, जो शो हम लता मंगेशकर जी पे कर रहे हैं। ये एक जूम मीटिंग है और इस मीटिंग में हमारे साथ हैं, मैं हूं विजय अकेला और हमारे साथ हैं अमित खन्ना साहब, मशहूर मारूफ गीतकार, न सिर्फ गीतकार बल्कि अमित खन्ना साहब का एक बहुत बड़ा परिचय है, लेकिन हम यहाँ पे इस मीटिंग में इनको एक गीतकार के तौर पे ही रख रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ ललित पंडित साहब हैं जो एक संगीतकार हैं और वो अपने ख्यालात लता जी के बारे में बताएंगे, जैसे अमित खन्ना साहब बताएंगे। अमित खन्ना साहब ने बहुत सारे गाने लता मंगेशकर जी के लिए लिखे हैं और हमारे सामने हैं एक फिल्म इतिहासकार और वो हैं पवन झा साहब। पवन झा साहब, लता मंगेशकर जी पे इन्होंने एक वीडियो बनाया है और IPRS से लता मंगेशकर जी का जुड़ाव ऐसा है कि लता मंगेशकर लोग जानते हैं कि उन्होंने एक संगीतकार के तौर पे, एक संगीतकारा के तौर पे 5 फिल्मों में कंपोजिशन किए हैं, मराठी फिल्में हैं ये सारी। तो इसके पहले कि हम पवन साहब से गुजारिश करें कि वो वीडियो दिखाएं, मैं एक शायर हूँ विजय अकेला, मैंने लता मंगेशकर जी पे एक नज्म कही है, तो मैं चाहता हूं कि मैं उस नज्म से अपनी शुरुआत करूं। लता थी तो मुंबई में चांद निकलता था, लता थी तो मुंबई में चांद निकलता था, लता थी तो मुंबई की कैसी कीमत थी, लता थी तो मुंबई की कैसी किस्मत थी, लता के चलते सुर का पता भी चलता था, लता थी तो मुंबई में चांद निकलता था। एक तस्वीर से जैसे कोई टूटी है, साज है रूठे हर एक बंदिश रूठी है, लता थी तो इस शहर में कैसी रौनक थी, लता के बिन मुंबई की रौनक झूठी है, लता को देख के सूरज आंखें मलता था, लता थी तो मुंबई में चांद निकलता था। लता ने मजहब की दीवारें तोड़ी थी, लता ने दुनिया की सीमाएं जोड़ी थी, लता का जीवन जैसा किसका जीवन था, वतन का जर्रा जर्रा जिसपे अर्पण था, हर मौसम में जिसका जादू चलता था, लता थी तो मुंबई में चांद निकलता था। एक आखिरी बंद पेश खिदमत है, मुंबई का हर काम लता से चलता था, मुंबई लता की गोद में जैसे पलता था, दिन का सूरज लता के नाम से ढलता था, रात का दीपक लता के नाम से जलता था, लता थी तो मुंबई में चांद निकलता था। जी बहुत शुक्रिया अमित साहब। और हमारे साथ मिलिंद साहब भी जुड़ने वाले हैं, मिलिंद श्रीवास्तव आनंद मिलिंद जोड़ी के, वो भी थोड़ी देर में शामिल होंगे। तो मैं पवन जी से गुजारिश करूंगा कि पवन जी, जो लता मंगेशकर जी पे आपने वीडियो तैयार किया है जी, वो हमारे लिए पेश करें। जी एक मिनट दीजिए, बस मुझे स्क्रीन होस्ट से चाहिएगी, जो स्क्रीन है स्क्रीन शेयरिंग के लिए। केवल एक मिनट दीजिए मुझे, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। जी जी एंड शेयर साउंड, ठीक है जी, आई थिंक यू कैन सी इट, थैंक यू जी। तो लता जी, खासकर आपने जैसे कहा कि IPRS के साथ उनका जिस तरह का जुड़ाव था, तो लता जी की एक शख्सियत है जिसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं होती उनके एज ए कंपोजर के तौर पे। IPRS में क्योंकि लता जी एक कंपोजर की तरह से दर्ज हैं, तो यहाँ पर जो लता जी ने जो फिल्में कंपोज की, जो उनके लिए म्यूजिक दिया, उसकी एक छोटी सी झलक आज के सत्र के लिए, ताकि हम जो आगे की बातें बढ़ाएंगे वो मैं प्ले कर रहा हूँ और उसके बाद जी, जैसे आप जी 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 ये एज ए कंपोजर उनकी। जी बिल्कुल।
इसमें जो कुछ सॉन्ग्स हैं उनके मराठी, वो हम जैसे जैसे आगे समय आएगा कुछ उसके साथ प्ले करेंगे। जी जरूर। ये उनकी जो मेजर एज अ कंपोजर फिल्म्स हैं जी, जहाँ पे पहली बार उनका नाम एज अ संगीतकार लता मंगेशकर की तरह पर्दे पे आया जी। राम राम पाहुना। बालजी पंडेरकर जिन्होंने पहली बार लता जी को एक बहुत बड़ा मौका दिया एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, और काफी समय तक फिर उनके लिए वो म्यूजिक देती रही जी। तो इनके गीत जैसे हमारा सेशन आगे बढ़ेगा तो हम उनके साथ जब बात करेंगे तो उस समय जो एज अ कंपोजर उनका जो कंट्रीब्यूशन है उस पर बात करेंगे। मैं कुछ कह सकता हूँ इस सिलसिले में? जी जी। उनकी जो ये फिल्म की जिक्र आप कर रहे हैं जी, वो एक तखल्लुस में सूडनम के का इस्तेमाल करती थी जी, उनको एज ए लता मंगेशकर क्रेडिट नहीं लिया था जी, ये बाद के लोग हैं, उनका उनका जो स्क्रीन में क्रेडिट होता था म्यूजिक का वो था आनंद गान जी, जी बिल्कुल आनंद गान। उस पे निश्चित रूप से बात करेंगे सर, बड़ा इंटरेस्टिंग उसका एनेक्डोट है, तो विजय जी आपके साथ जरूर उस पे बात करेंगे। जरूर जरूर जरूर। अभी जस्ट एक झलक है कि उन्होंने किस तरह से किन किन फिल्मों में, ये बाल शिवाजी के जीवन पे आधारित थी ये फिल्म मराठा तितका मेलवाला, और क्लासिक मानी जाती है। लता जी ने जिन फिल्मों में म्यूजिक दिया मराठी में वो आज भी मतलब महाराष्ट्र में तो क्लासिक्स मानी जाती हैं। नहीं नहीं, लता जी का हर काम क्लासिक ही है जी। तो पांच फिल्में जैसे आपने जिक्र किया, उसके अलावा कुछ नॉन फिल्म भी कंपोज किया, उस पर भी बात करेंगे। सादी मानस वो फिल्म है जिसके लिए उनको महाराष्ट्र स्टेट का अवार्ड मिला था, तो हम इन सब चीजों पे जैसे जैसे हम आगे सेशन होगा बात करेंगे। कुछ हमें यहाँ पे गीत प्ले करने थे पर वो हम जब हम उनके बारे में बात करेंगे तब उनके बारे जी, में जरूर जरूर कर सकते हैं जी। और ये उनकी भालजी पंडेरकर के लिए लास्ट फिल्म थी तांबड़ी माती 1969 में एज आनंद गण, जैसे कि अमित सर ने बताया जी। और बात चलेगी तो हम आपसे ये भी पूछेंगे कि लता मंगेशकर जी ने और मराठी फिल्मों में या हिंदी फिल्मों में गीत क्यों नहीं, संगीत क्यों नहीं दिया। आपने तो उनसे बात की हुई है जी, जी, जी। तुला दंडवत माने आपको नमन, तो लता जी को नमन। विजय जी आपके पास सर जी, फिर गीतों पे हम जैसे सेशन बढ़ेगा बातें करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम विस्तार से इस पे आते हैं। पहले हम अपने सीनियर मोस्ट जो शायर हैं इस वक्त हमारे पैनल में, और अमित खन्ना साहब, हम उनसे बात करेंगे। अमित खन्ना साहब, आपने ऐसे कई गीत लिखे जो लता मंगेशकर जी ने गाए। एक गीत पल भर में ये क्या हो गया, वो मैं गई वो दिल गया, जो स्वामी फिल्म का गीत है जिसको राजेश रोशन साहब ने कंपोज किया था, उस गीत में क्या जादू है, उसकी तारीफ ओशो ने भी की है और बड़े विस्तार में की है। हम आपसे जानना चाहेंगे धीरे धीरे कि कैसा वो माहौल होता था, ये तो फिल्म 1973-74 में आई है, कैसा वो माहौल होता था 75 में कि जब लता जी गाती थी, वो अनुभूति हमें शेयर कीजिए हमारे साथ। मेरी पहली मुलाकात लता जी से सरसरी तौर पे हुई थी 1969 में, और बाकायदा मैं उनसे मिला 1972 में जब वो मुझे पहचानने लगे जी। और मैं उस वक्त नवकेतन से जुड़ा हुआ था, तो नवकेतन के लिए वो अक्सर गाने गाया करती थी जी। और ज्यादातर पंचम का म्यूजिक था, और एक फिल्म दो फिल्मों में उस दौरान बर्मंदा सीनियर बर्मंदा का भी था, तेरे मेरे सपने और छुपा रुस्तम जी। तो मैं उनको रिकॉर्डिंग मिलता तो वो ये जानने लगी थी ये अमित खन्ना है, ये नवकेतन में काम कर रहा जी जी जी। और उसके बाद जब मेरा गीत लिखने का सिलसिला शुरू हुआ तो मेरा पहला गीत लता जी ने ही गाया था जी जी जी, वो 1973 में रिकॉर्ड हुआ था,
और वो चलते चलते फिल्म का एक गीत था जिसमें इत्तफाकन उनको बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन का अवार्ड भी मिला था। और बड़ा वो एक अनोखा गीत है क्योंकि आमतौर पर वैसे गीत वो नहीं गाती थी। जी बिल्कुल, बिल्कुल। दूर दूर तुम रहे पुकारते हम रहे, आज की रात तुम जाओ ना, तो बप्पी लहरी का संगीत था। और उसके बाद तो फिर मैंने काफी फिल्मों में लिखा, और क्योंकि मेरी उम्र बहुत कम थी उस वक्त और मेरा बैकग्राउंड थोड़ा आम शायर से अलग था जी, कि मैं एक इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट सेंट स्टीफन कॉलेज से पढ़ के बड़ा मॉडर्न ड्रेस वेस में आता था, तो वो शुरू में लोगों का अटपटा लगा, लेकिन बाद में जब जैसे जैसे मैंने गीत लिखे, लता जी ने मुझे बहुत सहारा दिया, वो मुझे बेहद पसंद करने लगी थी और मुझे कहती है देखो तुम ये सीरियसली काम नहीं करते हो लिखने का, तुम तो शौकिया करते हो, तुम्हें और लिखना चाहिए। और वो बिल्कुल सही कहा था उन्होंने। तो उस लता जी ने मेरे ख्याल मेरे 25 तो कम से कम गाने गाए होंगे। और कैसे कैसे गाने गाए अमित साहब, सब गाने एक से बढ़कर एक हैं। जो फिल्म आपने प्रोड्यूस की थी मनपसंद, उस फिल्म में कैसे कैसे अच्छे अच्छे गीत थे। एक बड़ी दिलचस्प बात है जी, प्लीज। वो जब जो गीत है सुमन सुधा रजनी चंदा, ओहो वाह वाह, वो जब गीत की जब रिकॉर्डिंग हुई तो राजेश रोशन ने फोन किया, मैं बैठा था उनके सिटिंग रूम में, और उन्होंने कहा कि दीदी ये मेरे स्टाइल का गाना नहीं है, ये थोड़ा क्लासिकल है, तो मैं रिहर्सल के लिए कब आऊँ, तो उन्होंने कहा कल आ जाओ। तो कुछ भी उन्होंने वक्त किया, तो मैं भी राजू के साथ चला गया वहाँ उनके सिटिंग रूम में, और उन्होंने उनको गाना पसंद आया। एक शब्द पे उनको थोड़ी सी आपत्ति थी उसमें, हालांकि वो बड़ा मेटाफोरिकली यूज हुआ था आलिंगन जी जी, तो वो उस पर उन्होंने थोड़ा इतराज किया कि इसको ये खटक रहा है मुझे, अच्छा तो इसको बदल दो, तो मैंने कहा बदल देता हूँ, तो फिर उसको मैंने बदल दिया। और उसके बाद ऐसा हुआ कि वो उसके मतलब हफ्ते एक हफ्ते के अंदर वो विदेश जा रही थी अपने कॉन्सर्ट के लिए, तो सब म्यूजिक डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी हुई थी। तो दो तीन दिन के बाद मुझे राजेश रोशन का फोन आया कि यार वो तो रिकॉर्डिंग अभी होना मुश्किल है क्योंकि दीदी के पास कोई डेट ही नहीं है, वो तो रोज दो गाने गा रही है। और उन्होंने बोला कभी वो डबिंग वॉइस में कर लो और मैं आके गा दूंगी। तो मैंने कहा यार ये गाना तो बहुत खास है और इसके लिए तो उनका होना, रिकॉर्डिंग उनकी आवाज में होना बहुत जरूरी है। इस तरह का गाना फिर फिल्म इंडस्ट्री में दोबारा आया नहीं, जिसमें एक ही तरह के लफ्ज और एक ही तरह से शुरू हुआ है वो पूरा का पूरा, सुमन सुधा रजनीगंधा रजनी चंदा। रजनी रात को कहते हैं जी बिल्कुल, और चंदा तो खैर चल। तो बहरहाल फिर ये उनका जब मुझे फोन आया तो मैं थोड़ा घबरा गया कि भाई मैं तो चाहता हूँ। तो रात को एक दिन मैं उनके घर गया जी, समझिए कि 9 बजे के बाद, और वो ऐसे उनके घर पे कोई जाता नहीं था, प्रभुकुंज मतलब वो थोड़ा बहुत इस मामले में तकल्लुफ रखती थी। तो खैर मैं उस उम्र का तकाजा था, जब यंग होता है आदमी तो डेयरिंग ज्यादा होता है, मैंने कहा क्या है अंदर नहीं आने देंगे और क्या होगा, तो मैं चले गया। तो उन्होंने बुलाया मुझे, मैं घंटी बजाई तो उनकी बहन उषा मंगेशकर जी ने खोला, तो मैंने कहने अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं दीदी से काम है जरूरी, तो उन्होंने कब पूछ रुकिए मैं पूछती हूँ उनसे, तो आई कहेंगे बैठ जाइए आप अभी आ रही है, तो आई बोले क्या कर अमित ऐसी क्या इमरजेंसी है कि तुम आ गए इस वक्त। मैंने कहा दीदी फोन नहीं लग रहा था आपका, और मैंने वो गाना जो उसे अपने रिहर्स किया था उसकी रिकॉर्डिंग कर दी।
तो कहने लगी मैं तो जा रही हूँ लंदन। मैंने कहा दीदी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और तो उन्होंने कहा एक काम करो, कब करना है रिकॉर्ड? मैंने कहा परसों कर सकते, एक दिन चाहिए वो, क्योंकि लाइव ऑर्केस्ट्रा होता था तो एक दिन पहले म्यूजिशियंस को बुलाना पड़ता था जी। तो मैंने कहा परसों कर लेते हैं। तो उन्होंने अपने डायरी देखी, बोला उस दिन मेरी एक जय ओम प्रकाश जी के लिए रिकॉर्डिंग है और एक किसी और प्रोड्यूसर का, बड़े प्रोड्यूसर का नाम लिया। उन्होंने कहा कितने बजे राजू तैयार हो जाएगा? मैंने कहा राजू को मैं तैयार कर लूंगा 1 बजे तक। तो बोली तो फिर 1 बजे मैं आऊंगी और गाना गा के चली जाऊंगी जी। तो उस दिन उन्होंने 3 गाने गाए थे, मतलब गाने थे। तो वो बाकायदा 1 बजे आई, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की रिकॉर्डिंग थी फेमस शादियों में और हम कर रहे थे रिकॉर्डिंग फिल्म सेंटर में जी। नहीं उनकी उनकी रिकॉर्डिंग थी पहले फिल्म सेंटर में और हमारी थी फेमस तारदियों में, और हमारी रिकॉर्डिंग के बाद लक्ष्मी प्यारे की रिकॉर्डिंग वहीं थी फेमस। तो वहीं उन्होंने रिहर्सल किया हुआ था, एक बार गाया और इमिजिएटली मतलब फर्स्ट टेक में ओके हो गया था वो गाना। और फिर कहने एक तुम सुन लेना, अगर ठीक नहीं लगा तो मुझे फोन कर दे। जी। तो वो मतलब बहुत एक यंग टैलेंट को वो हमेशा, और ये एक गलत फहमी है कि उन्होंने नए सिंगर्स को आगे नहीं आने दिया। मुझे उस जमाने में जब मैं 70s की बात कर रहा हूँ तब भी ये कहते थे जी, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। ये बिल्कुल बेबुनियाद है। और बहुत कई बार वो कहती थी, जो अच्छे सिंगर थे उनके लिए हमेशा कहती थी बहुत अच्छा गा रहे हैं ये फलाना जी, और जो अच्छा नहीं गा रहे थे और अपने वैसे मतलब तिकड़म से आगे बढ़ना चाहते थे वो, उनको वो जरूर टोकती थी। जी बिल्कुल। और आपकी बात होती है लता मंगेशकर जी के साथ तो आप कहें और हम ना आए गीत का भी जिक्र होता है, और फिर प्यार में कभी कभी सारे गाने, उठे सबके कदम, तारा रम पम पम, जो बातों बातों का है। तो और कुछ याद कीजिए ना अमित साहब, कैसा वो एक माहौल हुआ करता था। बात हम 70s की कर रहे हैं। हाँ, उस वक्त तो और हमारा संगीत ज्यादा बढ़िया था। हाँ, और देखिए सब और इत्तेफाकन मनपसंद और देश परदेश दोनों जो थे वो शुरू में, जो शुरू की फिल्में थी जो स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हुई थी उसमें सिलसिला ऑफकोर्स शोले में हुआ था बाद में। और एक फिल्म बनी थी वो वी शांताराम जी ने बनाई थी, जलबिन मछली जी जी, वो उसकी रिकॉर्डिंग राजकमल में की थी उन्होंने, और स्पेशल स्टीरियो इक्विपमेंट मंगेश देसाई साहब ने उसके लिए एक रिकॉर्डिंग किया था। तो ये उन दिनों में अर्ली रिकॉर्डिंग थी और 200-150 का ऑर्केस्ट्रा होता था और बड़े बड़े उसमें नामचीन बजाने वाले भी थे, मतलब जैसे सुल्तान खान थे, उस्ताद सुल्तान खान सारंगी पे, और पंडित शिव कुमार सरूस संतूर पे, और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, और एक एक मेरे गाने में उस्ताद हलीम जाफर खान जी, उन्होंने भी सितार बजाया। और तो बहुत मतलब अब ये तो अपने दिग्गज लोग हैं, इनके इनका ऑर्केस्ट्रा में बजाना तो मतलब अब उसके बाद तो आजकल तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अच्छा अमित साहब, एक फिल्म जॉनी नाम से है जो रिलीज हो पाई, उसमें भी लता मंगेशकर जी ने गाए। हाँ, उस गाए थे, उसमें 2 गाने गाए थे। ओ, अगर पहले से तैयारी होती तो हम आपसे गुजारिश करते कि क्या वो वहाँ पे प्ले कर सकते हैं। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मेरे पास वो टेप में है नहीं। जॉनी जिसका नाम, जॉनी मेरा नहीं, उसका नाम था नया जॉनी, और वो उसका ना होने का भी बड़ा, वो किसी और बात बार उसका जिक्र करेंगे, वो कुछ बड़ी अजीब सी सर्कमस्टांसेस में रुक गई। जी। तो आप हमारे साथ रहें अमित साहब, हम आपसे और बातचीत करेंगे। हम अपने और 2 मेहमानों का स्वागत करेंगे, एक ललित पंडित साहब, नमस्ते, प्रणाम। नमस्ते, और नमस्ते अमित जी। नमस्ते ललित, नमस्ते आपको। विजय जी आपको नमस्ते, बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुन के।
अरे बिल्कुल विजय जी, मैं ललित को मेरे ख्याल जब ये पांच या छह पांच तब से जानता हूँ, और ये तब से दोनों भाई जो थे बहुत गुणी थे। और मिलन साहब का भी मैं स्वागत करता हूँ। नमस्ते प्रणाम। नमस्ते प्रणाम विजय जी, अमित जी एंड ललित जी। और हमारे साथ एक फिल्म इतिहासकार भी हैं सामने, पवन झा साहब जी। अच्छा मैं अभी अमित साहब, मैं जरा ललित साहब से बात करना चाहूंगा अगर आप कहें तो इजाजत दें। ललित साहब, जतिन ललित की जो जोड़ी है वो मुझे लगता है कि लता जी जिन दिनों में गाना, एक तरह से कहिए कि गाना गाना समाप्त कर रही थी, उन दिनों आपकी बड़ी बड़ी फिल्में आईं लता जी को लेके, जैसे कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मोहब्बतें, और कभी खुशी कभी गम। कभी खुशी कभी गम का तो एक गाना लगता है कि हमेशा के लिए अमर हो गया है, और जो टाइटल ट्रैक है, फिर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में कैसा आपने कंपोजिशन किया है, और लता जी से कैसा कैसे खूबसूरत गीत गवाए हैं आपने, तो बताइए ना, बताइए ना, सब यादें जरा हमारे साथ शेयर कीजिए सभी के साथ। विजय भाई, ऐसा है कि लता जी के साथ जितने गाने करने का मौका मिला जी, वो सब यादगारी रहे हैं। मैं हर गाना मुझे बिल्कुल याद है कि कैसे हम बैठे थे स्टूडियो में रिहर्सल करने, कैसे दीदी ने माहौल जो है वो अपना एकदम फ्रेंडली कर देती हैं स्टार्ट करने के पहले। और यश जी के साथ तो आप जानते हैं, दोनों बहन भाई हैं, तो बहुत ही अच्छी उनकी उनका रैपर है उनके साथ, पैम जी के साथ। तो हर गाना जो गाया है उन्होंने, वो बहुत ही जिंदगी की बेहतरीन यादगारों में वो यादें शामिल है मेरे जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब दिलवाले हम लोग कर रहे थे, तब जैसे ही ये पता पड़ा था कि सारे गाने दीदी गाने वाली हैं, बख्शी साहब लिखेंगे, तो ये बात हम लोगों ने बहुत चैलेंजिंग जैसे ली थी, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा मौका होता है नए म्यूजिक डायरेक्टरों के लिए कि लता जी गाना गाएं। और उस टाइम के पहले काफी वक्त तक लता जी ने पूरी पिक्चर के गाने नहीं गाए थे जी, तो ये एक बहुत अच्छा मौका जतिन ललित के लिए था, बहुत अच्छा करने की कोशिश करने का। तो बस ये समझ लीजिए जैसे अमित जी यंग थे और उन्हें वो पहुंच गए थे लता दीदी के घर पे, ये मौका हमारे लिए था जब दीदी गाने वाली थी और हमको कुछ करना था इसमें अच्छा। तो बस बहुत मेहनत हुई और बहुत हर चीज को इस तरह से देखा गया, करने की कोशिश की कि भाई ये गाने जो इतने बड़े बड़े दिग्गज गाने और दिग्गज कंपोजर्स के साथ दीदी ने जो काम किया है, उसमें हमारी भी गर्दन थोड़ी सी दिख जाए कि ये गाने भी अच्छे हुए, ये एक इज्जत की इज्जत का सवाल था। मगर फिर जब पूरा म्यूजिक होने लगा, पहले तो आपको मैं बताऊं, लता जी ने जब पहला गाना गाया था तो मैं बहुत डर सा गया था, क्योंकि लता जी को गवाना और उनको रिहर्सल कराना, एक क्या होता है कि लता जी की शख्सियत ऐसी थी कि जो नया आदमी है वो बिल्कुल घबरा ही जाएगा कि लता जी आ रही है, लता जी को गवाना है, क्या करूं कैसे करूं, ये एक सिचुएशन आ जाती है सामने जी। अगर आपको मैं बता दूं कि लता जी के साथ हमारी फैमिली के बहुत ही बचपन के रिलेशन हैं। आप मेरे जो पिताजी थे पंडित प्रताप नारायण जी, जो मेरे गुरु भी थे, वो लता जी के घर पे हमेशा जाया करते थे, और लता जी ने ही ये कहा है, अगर आप मेरे इंस्टा में जाएंगे तो उसमें लता जी आई थी एक बार, उन्होंने बताया था कि हम सब छोटे छोटे बच्चे थे, पिताजी के साथ घर पे आते थे और फिर पिताजी गाना गाते थे, गाना सिखाते थे। हृदयनाथ जी ने मुझे ये बताया कि पिताजी उनके गुरु थे, अमित जी तो जानते हैं, अमित जी तो मिले हैं पूरी फैमिली से बचपन से, तो बहुत एक गहरा रिलेशन था जो लता जी को याद था। मुझे तो इतना याद नहीं था क्योंकि मैं तो बहुत ही छोटा होगा सब, क्योंकि मुझे ये याद नहीं, मगर लता जी को बिल्कुल याद है। ललित साहब सॉरी, मैं आपको बीच में रोकना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन जैसा कि अमित साहब ने कहा, और वो कह भी सकते हैं कि उन्होंने आपको बचपने में देखा था म्यूजिक के फील्ड में, यादों की बारात में शायद आपने बचपने में, तो क्या वो टाइटल ट्रैक था जिसमें लता जी गा रही थी यादों की बारात? जी, मैंने बहुत गाने गाए दीदी के साथ। अमित जी, वो ये गुलिस्तान हमारा में भी हमने गाया था, मुझे मालूम, आगे पीछे खड़े हो जाओ, ये गाना था। और एक था, एक
सिप्पी साहब की फिल्म का गाना था, नैयर साहब की फिल्म का गाना था, आंखें दो आंखें, ये दीदी के साथ गाया था। फिर अपना देश में, यादों की बारात, परिचय में हमने गाया है, रोना कभी, ये सब बचपन में गाना गाया, तो दीदी को ये सब याद था पूरा कि ये वही बच्चे हैं जिन्होंने गाया। वो कोई बात भूलती नहीं थी, मैंने बिल्कुल मतलब 40 साल के बाद भी उनसे करो तो वो उनको याद रहती थी। अमित जी इतनी शार्प याददाश्त थी दीदी की, दो चीजें उनकी कमाल थी कि हर म्यूजिक डायरेक्टर को वो की पूरी जानती थी कि कौन सा मैंने इनका पहला गाना गाया है। कमाल की याददाश्त, मतलब ऐसी याददाश्त तो आप यकीन नहीं कर सकते कि दीदी की इतनी तगड़ी याददाश्त थी। ललित साहब मैं एक बात आपसे, और अभी हम आपसे और बातें कर रहे हैं और हमारे सामने मिलिंद श्रीवास्तव जी भी हैं, मैं आप दोनों से एक बात पूछना चाह रहा हूं। मिलिंद साहब आप मुझे सुन रहे हैं? बिल्कुल सुन रहा हूं। भाई आपने और जतिन ललित साहब ने बहुत गाने मजरूह सुल्तानपुरी साहब के साथ किए हैं और आप लोग लता मंगेशकर के चाहने वालों में से भी हैं। मजरूह साहब ने एक लता मंगेशकर पे नज्म कही है, आप लोग क्यों नहीं बनाते? अगर आप कहें तो मैं उस नज्म को पढ़ने की कोशिश करूं। बिल्कुल कीजिए। मजरूह साहब ने लता मंगेशकर के नाम एक नज्म कही है और वो कहते हैं कि मुझसे चलता है सरे बज्म सुखन का जादू, चांद लफ्जों के निकलते हैं मेरे सीने से, मैं दिखाता हूं ख्यालात के चेहरे सबको, सूरतें आती हैं बाहर मेरे आईने से। हाँ मगर आज मेरे तर्ज बयां का ये हाल, अजनबी कोई किसी बज़्मे सुखन में जैसे, वो ख्यालों के सनम और वो अल्फाज के चांद, बेवतन हो गए अपने ही वतन में जैसे। फिर भी क्या कम है जहां रंग न खुशबू है कोई, तेरे होंठों से महक जाते हैं अफकार मेरे, मेरे लफ्जों को जो छू लेती है आवाज तेरी, सरहदें तोड़ के उड़ जाते हैं अशार मेरे। एक दो बंद और है, मुलाजा फरमाइए। मजरूह साहब ने लता मंगेशकर जी के बारे में कहा है, तुझको मालूम नहीं या तुझे मालूम भी हो, वो सियाह बख्त जिन्हें गम ने सताया बरसों, एक लम्हे को जो सुन लेते हैं नगमा तेरा, फिर उन्हें रहती है जीने की तमन्ना बरसों, जिस घड़ी डूब के आहंग में तू गाती है, आयतें पढ़ती हैं साजों की सदा तेरे लिए, दम बदम खैर मनाते हैं तेरी चंगो रबाब, सीनाए नय से निकलती है दुआ तेरे लिए। आखिरी बंद है, नगमा और रंग के जेवर से रहे तेरा सिंगार, हो तेरी मांग में तेरे ही सुरों की अफशां, तेरी तानों से तेरी आंखों में काजल की लकीर, हाथ में तेरे ही गीतों के हिना हो रक्षा। मैं आप दोनों से गुजारिश करूंगा कि इस नज्म का एक दो बंद तो लीजिए और जरूर इसको कंपोज कीजिए, यही सही अकीदत आप दोनों पेश करेंगे लता मंगेशकर जी को लेके। बहुत अच्छी बात कही लता जी के फेवरेट राइटर थे मजरूह साहब, बहुत ही प्यार करती थी मजरूह साहब को। बहुत कम लोग ये शायद जानते हैं कि वो मजरूह साहब की बेगम से भी उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और वो उनके मजरूह साहब के घर अवधि खाना खाने जाया करती थी। उनको शौक था फिरदौस जी के। हाँ जी वाह। ललित साहब मैं जरा मिलिंद साहब को ही ले लेता हूँ, उनसे भी गुफ्तगू शुरू कर लेता हूँ, फिर हम सब लोग एक साथ जुड़ जाएंगे। जरूर जी मिलिंद साहब आप हैं ना सामने? ओके अब आ जाइए। बिल्कुल अच्छा, आपने आपसे हमारे दो सवालात हैं खास तौर पे। एक तो आपने जो भी गाने लता मंगेशकर जी को से गवाया है वो सब गाने बहुत खूबसूरत हैं। वंश का गाना कितना खूबसूरत है, या फिर राजा तेरे रस्ते से हट जाऊंगी कितना मीठा गाना है, और भी गाने लुटेरे फिल्म का जो टाइटल ट्रैक है इस पे भी आप प्रकाश डालिए, रोशनी डालिए। और ओ माय गॉड, चित्रगुप्त साहब ने जो लता मंगेशकर जी से गवाया है उसका तो कोई मतलब सानी ही नहीं है, एक एक फहरिस्त है। किस गाने की बात करें किस गाने की बात नहीं करें, तो इन पे है जो प्रकाश डालिए। मैं जरा हमारे जो देखने वाले हैं उनको याद दिला दूं कि देखो मौसम क्या बहार है,
छुपा के मेरी आंखों को, दगा दगा वही वही गंगा मैया तोरा तोहे पेरे चढ़े वो। और एक कितने गाने हैं, और जिस गाने का जिक्र हम लोग अक्सर करते हैं जो आधी रात के बाद के फिल्म का गीत है कि मेरा दिल बहारों का वो फूल है जिसे गुलशितां की नजर लग गई। कितने गाने हैं, तो अब आप बोलिए क्या कहना चाहेंगे। विजय जी एंड अमित जी एंड ऑल ऑफ अस आई हियर, लता जी या लता दीदी सारा जमाना उनको कहता था, और क्योंकि हम लोग ने बचपन से उनको देखा और इतने नजदीक से देखा और पापा के साथ ऐसे रिलेशन थे कि हम पहले से ही उनको लता आंटी कर कहकर पुकारते थे, और आखिर तक कि लता आंटी से ही हम बात कर रहे हैं, लता आंटी हमारी। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे नामकरण में वो घर आई थी, और उन्होंने कहा था पापा को, व्हेन माय मदर वाज एक्सपेक्टिंग, आई डोंट नो, इट वाज नॉट अनाउंस्ड, शी वेंट टू द डॉक्टर और वापस आई मम्मी, तो लता आंटी बोली कि चित्रगुप्त जी आपके बार लड़का होगा और नाम मैं रखूंगी। तो कैसे पता चला ये भी, हम लोग इट इज अ सरप्राइज टू ऑल ऑफ अस। और फिर जब नामकरण का वक्त आया, जब मैं पैदा हुआ और नामकरण के लिए वो घर आई, जैसे बुआ नाम रखती है उस तरह जी, धीरे से नाम विस्पर करी कि कान में कि इसका नाम रखिए मिलिंद माधव। मेरा नाम इसके लिए महाराष्ट्रियन नेम है, हालांकि हम लोग नॉर्थ इंडियन है, मिलिंद महाराष्ट्रियन नेम। तो मैं हमेशा उनसे कहता था, फोन पर अक्सर बात होती थी, हर हफ्ते 10 दिन करीब 4-5 साल पहले तक, जब शी वॉज ऑल राइट एंड हेल्थ भी अच्छा था उनका। तो मैं हमेशा कहता था कि आप कुछ सोच समझ के रखी क्या नाम, क्योंकि ये राइम भी होता है आनंद मिलिंद, ये सोची थी क्या फ्यूचर में लोग संगीतकार बनेंगे। तो खूब हंसती थी ये लेके। और चाइल्डहुड मेमोरीज में एक दो अजीब बातें हैं, जैसे ललित ने भी अभी कहा, तो हम लोग खार में रहते थे, लतांटी प्रभु कुंज पेडर रोड पर रहती थी जी जी। तो हफ्ते में 3 दिन एटलीस्ट 3-4 डेज वो महबूब आती थी रिकॉर्डिंग के लिए, कभी लक्ष्मी प्यारे की रिकॉर्डिंग, कभी शंकर जयकिशन की रिकॉर्डिंग अर्लियर ईयर्स में, अलग अलग कंपोजर्स की रिकॉर्डिंग पर महबूब आती थी। तो महबूब पहुंचते ही लैंडलाइन पे, मुझे नंबर भी याद है 534181, शी टू डायल और भाभी जी खाना आपके यहाँ चिकन बनवाइएगा। तो हफ्ते में कम से कम 3-4 रोज लंच हमारे यहाँ होता था, लंच के बाद इन लोग आराम करके बातें करते हैं, कभी कभी रम्मी खेलते थे, हम लोग स्कूल से आते थे तो देखते थे सब कि आज लता आंटी आई है, खाना बहुत अच्छा मिलेगा। तो अभी मैं उषा आंटी से मिलने गया था टू पे माय रिस्पेक्ट प्रभु कुंज, तो वो याद कर रही थी और बोल रही थी कि दीदी सबसे ज्यादा खाना चित्रगुप्त जी क्या खाई है आप लोग के घर पे। तो वो रिश्ता था हम लोग का। और उसके बाद जब 1982 में पहली फिल्म मिली अब आएगा मजा, जिस गाने का आपने जिक्र अभी किया, राजा तेरे रास्ते से हट जाऊंगी गाड़ी के नीचे जाके कट जाऊंगी, तो पापा मैं और आनंद प्रभु कुंज गए और उनको मिले, और पापा ने कहा आप आशीर्वाद के लिए इनका पहला गाना है लाइफ का, कंपोजर्स बन रहे हैं आप, आइए एंड ब्लेस कीजिए इनको। और हम लोग डरे हुए थे लास्ट तक। और उन दिनों में ललित को याद होगा 82, 83, 84 में इन लोग का जरा भी गला खराब हुआ तो नहीं आते थे, और डबिंग होती थी, और डब करने में हर कंपोजर बहुत घबराता था इसलिए कि ट्रैक्स नहीं थे, तो वो डबिंग के बाद वो क्वार्टर इंच पे डालो फिर उसको डब करो, क्वालिटी में भी आई थिंक थोड़ा बहुत फर्क पड़ता था मोनो रिकॉर्डिंग। बट शी केम एंड शी सैंग लाइव इन फेमस तार दियो, राजा तेरे रास्ते से हट जाऊंगी गाड़ी के नीचे जाके कट जाऊंगी, और ये फिल्म बनी थी अब आएगा मजा, प्रोड्यूसर थे आलोक नाथ और गिरिजा शंकर, एक्टर्स डायरेक्टर पंकज प्राशर, फारूक शेख एंड अनीता राज। तो लता आंटी आई, गाना गाई, और हम लोग का भी कॉन्फिडेंस ये था कि जैसे खत्म हुआ गाना तक धक धा ओके, वी डिडंट आस्क फॉर वन मोर टेक, नथिंग। फिर आनंद और मैं एक दूसरे को देखे, कुछ गलती तो नहीं करती, हम लोग सुने भी नहीं और ओके कर रहे। तो शी केम और हम लोग के लाइफ का पहला गाना, शुरुआत हम लोग की उनसे हुई। और उसके बाद में ऐसे किस्से इतने हैं कि एक प्रोग्राम में खत्म नहीं होगा। हाँ जी जी। अब मैं ललित साहब और मिलन श्रीवास्तव जी आप दोनों से और अमित साहब से भी ये जानना चाहूंगा कि
लता जी तो चीज ही ऐसी थी, लता जी तो शख्स ही ऐसी थी, शख्सियत ही ऐसी थी कि हम सभी लोग उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आप लोगों ने तो खूब काम किया है। आप लोग किसी बात से ख्वाब भी खाते थे कि लता जी नाराज ना हो जाएं? बिल्कुल, एक चीज थी जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस की अमित जी, कि पहली बार जब डब कर रहे थे हम लोग लता जी को, तो मैं बार बार मैं बहुत तैयार होकर गया था कि मैं डरूंगा नहीं, मैं ये करूंगा, मैं ये मेरा गाना है, मैं उसको अपने हिसाब से कर लूंगा। और जब मैं बहुत कट कर रहा था तो यशी का ही पहला गाना था मेरे ख्वाबों में जो आए, तो मेरे मुखड़ा ही कट करते 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 लता जी ने बोला कि ललित जरा अंदर आना। तो फिर मैं यहाँ वेस्टर्न आउटडोर में कर रहे थे तो मैं बहुत घबरा गया, मैं सोचा कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, दीदी बैठ गई थी वहां पे। तो मैं अंदर गया, मैं बोला दीदी सब ठीक है ना, कुछ गलती तो नहीं हुई मुझसे? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं अरे बैठो यहाँ बैठ जाओ आराम से। उन्होंने मुझे बिठा दिया और फिर घर की बातें वातें की, और उन्होंने फिर वो मुझे वर्ड ऐसी बात सिखा दी मुझे जो मेरे जीवन भर मेरे संगीत में काम आया। मैं इस बात को इसीलिए आपसे कहना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने बात करते करते फिर यहाँ वहाँ की बात की, चाय मंगाई और वो रूम बंद करके हम दो बैठे थे, सिर्फ यश जी शाहरुख वगैरह सब अभी सब मॉनिटर रूम में थे। तो मुझे उन्होंने कहा कि देखो, फिर बात करते करते गाना उन्होंने निकाला और बोला देखो बख्शी साहब ने क्या लिखा है, मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, उससे कहो कभी सामने तो आए। तो जो मैं उनसे कह रहा था गाने के लिए, जिस वजह से मैं कट कर रहा था, वो इस वजह से कट कर रहा था क्योंकि मैं चाह रहा था मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, ये मैं थोड़ा स्मार्ट चाह रहा था कि ऐसे गए हो, मगर वो कुछ और कर रही थी। तो उन्होंने कहा देखो अगर मैं इस छेड़ में थोड़ा सा छेड़ जाए ऐसा एक्सप्रेशन करूंगी तो हीरोइन जब गाएगी तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो मैं फट से समझ गया ये तो बहुत प्रिपेयर आई है और मैं ही गलत कर रहा था। मैं बोला अरे दीदी प्लीज आप ये जरूर कीजिएगा, तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने सोचा नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं तुम जो कह रहे हो ये भी बहुत अच्छा है, तो एक बार मैं अपने जैसा गाऊं और एक बार तुम्हारे जैसा गा देती हूँ। बाप रे देखिए कितनी ग्रेट चीज है। और उसके बाद हमेशा जब अमित जी मैं वर्ड पढ़ता था तब मैं सोचता था कि इसमें क्या एक्सप्रेशन होने चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए। तो वो एक ही सेशन में उन्होंने इतनी चीजें सिखा दी थी और इतना प्यार से मुझे हैंडल किया कि मैं वो भूल नहीं सकता उस चीज को। भाई जब भी तो आपकी ये फिल्म जो है वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दिनों तक चलने वाली फिल्म हो गई, और आपको उस वक्त आभास था ललित साहब की वो थर्ड जनरेशन के लिए गा रही थी, वो शोभना समर्थ और नूतन मनुजा और बिल्कुल बिल्कुल इस चीज का बिल्कुल एहसास था। और मैं आपको सच्ची कहूं कि लता जी का जो कंट्रीब्यूशन है दिलवाले दुल्हनिया में, अगर वो नहीं गाती ये गाने तो वो इतने बड़े हिट नहीं होते जो जहां तक वो पहुंचे हैं, क्योंकि उनकी फॉलोइंग इतनी बड़ी है, उनके चाहने वाले इतने बड़े हैं और वो सब मिलके एक जो बात बन जाती है, अच्छी कॉम्पोजिशन, अच्छी रिकॉर्डिंग, अच्छी सिंगिंग। और बख्शी साहब भी बहुत मूड में थे उस जमाने में इस पिक्चर के लिए, क्योंकि बख्शी साहब के साथ भी हमने बहुत काम किया, मगर वो वैसी बुक लेके, मैं कहूँ आपको मेहंदी लगा के रखना हो कि उन्होंने 25 संतरे लिखे थे, मतलब क्या हिसाब से वो काम कर रहे थे। और हमको भी बोलते थे इस पिक्चर में बहुत ध्यान दो, हम दूसरी पिक्चर के गाने करने जाते थे उनके बोलते उसका गाना ठीक कर रहे हो ना, उसका बहुत ठीक से करो, बहुत करो। तो वो सब बातें मुझे याद है, वो बोल रहे थे कि लता जी गा रही है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारे ऊपर, तुम इसको बहुत ध्यान से करना, एक कई सारी बातें हैं। मुझे मालूम है ये समाने वाली बात नहीं है, एक छोटे से घंटे भर में दो घंटे भर में। एक बात का जिक्र मैं करना चाहूंगा, आप सारे हमारे जो गेस्ट्स हैं, पवन जी आपके बारे में भी जो इतिहासकार हैं, और अमित साहब के बारे में भी मैं कहना चाहूंगा, और ललित साहब और मिलन साहब, आप सब लोग लता जी के नाम पे इतने कलरफुल कैसे होके आ गए? आपको तो हमने कभी नहीं ललित साहब इस कलरफुल ड्रेस में देखा है, और जरा सा देखिए अमित खन्ना साहब का बैकग्राउंड तो देखिए जरा कितने चमक रहे हैं आज, और अपने मिलन साहब, और देखिए पवन जी ने कैसी तस्वीर लगा के रखी हुई है, ये सब लता जी का कारनामा है। बिल्कुल हो सकता है, मैं एक बात और कहना चाहूंगा लता जी के लिए जी। अमित जी आपकी इजाजत से, अरे लता जी जो थी मुझे जो लगता है वो जो एक शख्सियत जो बनी है उसमें कई फैक्टर्स का योगदान है, ऐसा
भारत रत्न तो वो थी, मगर वो बनने में वो सब चीजों चीजें जो उनकी लाइफ में हुई हैं, वो सब जाके उन सब मिश्रण से लता मंगेशकर बनी है। अब देखिए कितने ग्रेट कंपोजर्स के उन्होंने गाने गाए हैं, किन किन से उन्होंने कुछ कुछ सीखा है, क्या क्या उनके प्रोग्रेस होने में कितने लोगों का हाथ है, क्या क्या ग्रेट कंपोजर्स थे और उनसे वो कुछ कुछ अच्छाइयां ले लेती थी, जो बोलते थे वो पकड़ती थी। वो एक जो उनकी जो एक ग्रूमिंग हुई है वो अभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ना वैसे लोग हैं, ना लता जी हैं, ना वो बोलते हैं ना जब लोहे से लोहा हंसता है मलता है तो कुछ चीज बनती है। वो जो लता मंगेशकर बनी है उसमें एक कुदरत का हाथ था, एक सरस्वती माँ का हाथ था, उनकी आवाज वैसी होनी थी, उनकी सिंगिंग वैसी होनी थी, और इतने लोगों के गाने गाना उस प्रकार के जो कभी हो ही नहीं सकते। जी जी, सब मिल के लता मंगेशकर बनी है। और दो चीज इसमें और भी है, एक तो उनकी याददाश्त ऐसी थी कि पूछे मत, इतनी जल्दी याद करती थी गाना, इतना जल्दी उनका वो ब्रेन पावर था, और वो कब तक था? मतलब जब तक वो थी तब तक उनकी याददाश्त वैसी की वैसी थी। ये तो कमाल है, ये तो एकदम अजीब सी बात है। और अमित जी भी जानते होंगे, मिलिंद भी जानते होंगे कि दीदी बहुत ह्यूमरस थी। उनका एक मजा करने का जो सेंस ऑफ ह्यूमर था वो बहुत अलग था और बहुत ही कमाल का था। वो ऐसा लगता ही नहीं था कि इतनी बड़ी कलाकार है, इतनी बड़ी शख्सियत हमारे सामने बैठ के इतनी ईज से बात कर रही है। उनका जो माहौल जो सुंदर करने का एक तरीका था वो बहुत ही महान क्वालिटीज थी उनमें। और मैं क्या बोल सकता हूँ कि बहुत ही मिस करेंगे वैसी कलाकार। मिलन साहब, हम आपसे अभी जानना चाहेंगे थोड़ी सी बात और। चित्रगुप्त साहब के साथ जो लता जी ने काम किया है, जो दिल का दिया जला के गया या दीवाने हम दीवाने तो, ओफो बागों में खिलते हैं, वो कैसे कैसे गाने हैं। और अमित साहब को भी कुछ जरूर याद आ रहा होगा। और हम इस बीच ये जो सेशन कर रहे हैं IPRS के पोर्टल पे, उसकी वजह खास ये है कि लता मंगेशकर जी एक कंपोजर भी थी, उस पर थोड़ा प्रकाश डाला है पवन जी ने, बहुत अच्छा एक वीडियो बनाया है। थोड़ी बात हम पवन जी से अभी और करेंगे। एक छोटा सा वाकया मुझे भी याद आ रहा है, 20 साल पहले, तकरीबन 20 साल पहले, उस वक्त मुंबई में एक ही FM स्टेशन था और मैंने लता मंगेशकर जी का एक इंटरव्यू किया था, और पूरा ऑल इंडिया रेडियो के सारे स्टाफ वहीं पे इर्द गिर्द जमा थे। तो बातों बातों में उस लाइव इंटरव्यू में जब मैंने लता जी से पूछा कि लता जी क्या आप बहुत इमोशनल लेडी हैं, महिला हैं, औरत हैं, तो उन्होंने जो बात बोली तो हम सभी सन्न रह गए। उन्होंने कहा कि जी हाँ, मैं बहुत इमोशनल लड़की हूं। एक 70-72 साल की लेडी ने जो उस तरह से अपने आप को बोला कि जी ये सच है, मैं बहुत इमोशनल लड़की हूं, हम सब लोग एकदम एक मिनट के लिए ऐसा लगा कि वक्त रुक सा गया। पवन जी आप आइए, थोड़ी बातें हमें हम सभी जी, लोगों जी, सामने कीजिए, फिर हम जी 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 पहले तो सबको नमस्कार। लता जी को हम याद कर रहे हैं तो सबसे पहला नमस्कार उनको, तुला दंडवत जो उनका गाना हमने प्ले किया था मराठी। मेरे को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि लता मंगेशकर द कंपोजर पे बात की जाए, क्योंकि उस पर बहुत कम बात की है। जो क्रिएटर की तरह से लता मंगेशकर का एक कंट्रीब्यूशन रहा है पूरी इंडस्ट्री को, हमारी जो फिल्मी यात्रा है, फिल्म संगीत की यात्रा है, उसको जिस किस्म का कंट्रीब्यूशन लता जी ने किया है, तो ये बात तो हम शुरू में कर चुके हैं कि लता जी ने 5 मराठी फिल्मों का म्यूजिक दिया, और उसमें एक फिल्म थी राम राम पाहुना 1950 की, जिसमें लता मंगेशकर ने खुद लता मंगेशकर के नाम से, संगीतकार लता मंगेशकर के नाम से, वो दिनकर पाटिल की फिल्म थी, उसमें वो म्यूजिक दिया था, एक सोशल ड्रामा था। और उसमें जो विंटेज दौर की लता है, जो 1949-50 का जो उनका म्यूजिक है, उस तरह का अरेंजमेंट, उस तरह की कंपोजिशंस, उस तरह की जो टोनल क्वालिटी है हमको उसमें मिलती है। लेकिन जो उनको एक नया रूप एक म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में मिला, जहां उन्होंने बड़ी क्लासिक सी रचनाएं कि मतलब यकीन मानिए, अगर हम केवल उन 3-4 फिल्मों की बात करें जो उन्होंने भालजी पेंडारकर सबके साथ की, और भालजी पेंडारकर एक्चुअली बहुत बड़े लेजेंड रहे हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित रहे हैं, और साइलेंट दौर की सिनेमा से 1920-24 के दौर से वो सिनेमा बनाते रहे हैं, 80 के दौर तक
बहुत बड़ी उनकी यात्रा रही है। उन्होंने लता मंगेशकर से रिक्वेस्ट की कि क्या तुम मेरी फिल्म में म्यूजिक डायरेक्टर की तरह से काम करोगी। तो एक्टिंग भी की है उन्होंने। हाँ, एक्टिंग तो बचपन में उन्होंने की ही थी। शिवाजी पिक्चर में, पेंडरकर की फिल्म में उन्होंने एक्टिंग की है, पूरा उनका गाना पिक्चराइज हुआ। बहुत सुंदर लगी है उसमें। जी, जब वो 13 साल की थी तो उन्होंने चिकमुक बाल नाम से एक फिल्म थी उसमें काम किया था, पहली मंगला गौर में काम किया था। और एक बहुत खास फिल्म है हिंदुस्तानी फिल्म संगीत के इतिहास में, वो थी फिल्म बड़ी माँ। और बड़ी माँ में लता जी और नूरजहां दोनों ने साथ में पर्दे पे काम किया था। ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है हमारी सिनेमा की कि 1945 की उस फिल्म में लता जी और नूरजहां दोनों पर्दे पे साथ आए थे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कंपोजर की, तो भालजी पंडेरकर ने उनको एज ए कंपोजर की तरह रिक्वेस्ट किया, लेकिन उनको ये कहा कि शायद लता मंगेशकर की तरह से अगर तुम कंपोज करोगी उस नाम से, तुमको एक बहुत बड़ी, ऑलरेडी तुम एक बहुत बड़ी शख्सियत हो सिंगर के तौर पे, तो हो सकता है लोग तुम्हें बड़े क्रिटिकल तौर से देखें, तो क्यों ना कुछ नाम बदल के तुम कंपोज करो मेरे लिए, नाम हम कुछ और रख लेंगे। तो भालजी पेंडारकर साहब ने कुछ 4-5 नाम सजेस्ट किए। एक नाम बड़ा मजेदार था, जटाशंकर, लेकिन लता जी को पसंद नहीं आया। लता जी को एक बड़ी उनकी पसंदीदा एक कविता थी संत रामदास की, आनंदवन करके, मराठी डिवोशनल में क्लासिक मानी जाती है। उस आनंदवन से उन्होंने अपना नाम सेलेक्ट किया, आनंद घन। और यकीन मानिए, वो जो आनंद घन नाम था वो किसी को नहीं पता था कि वो लता मंगेशकर है। और सबसे पहली फिल्म जो भालजी पंडेरकर सबके साथ की उन्होंने, वही थी मोहित्याची मंजुला। जयश्री गडकर थी उसमें, और एक शिवाजी की पृष्ठभूमि पर ऐतिहासिक फिल्म थी, लेकिन वो फिक्शनल उसमें कैरेक्टर थे, उसके जो प्रोटोगोनिस्ट थे। और उसके लिए इतना खूबसूरत उन्होंने संगीत रचा है उस फिल्म के लिए। एक उसमें जयश्री गडकर पे एक गीत है, निर्लिया अभाली कातर वेली, एक रात में वो सेपरेशन का सॉन्ग है जहां उनका पति जो है वो चला गया है। और उसपे लता जी ने एक बहुत मेलेंकलिक फ्लेवर के साथ, बहुत ही रोमांटिक टोन लिए हुए वो गीत वहां पे रचा है। और उनके यकीनन मैं कहूंगा कि अगर उन्होंने वो एक गीत भी रचा होता तो उसको भी क्लासिक माना जाता। तो मोहित्याची मंजुला जो फिल्म है उसमें एक गीत है, सोन सकाली सरजा सजड़ा। ये जो है ये एक ओडे टू नेचर है, और उसमें वो जंगल से गुजरते हुए बैलगाड़ी का साउंड है, और वहां पर बीच में एक मंदिर, उनको उस गाने के बीच में एक दृश्य है जहां मंदिर आता है, और वहां पे सडनली वो गीत का टोन चेंज होकर वो ओम नमः शिवाय की रेंडिशन आती है। जी, वो इतना खूबसूरत प्रयोग है एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, मैं सिंगर की बात नहीं कर रहा हूँ। वहां पर वो जो गीत का पूरा फ्लेवर चेंज होता है, क्योंकि वो बैलगाड़ी उस जंगल से गुजर रही है, उस जंगल की प्रशंसा में वो गीत है, लेकिन जैसे ही वो मंदिर वहां से गुजरता है उस गीत का पूरा टोन चेंज हो जाता है। बहुत खूबसूरत गीत है। एक गीत और है उसमें, बाली बाई बाई मनमोरा। जी, वो तो बहुत बहुत ज्यादा मशहूर है। जी, उसमें कई दो और उनके साथ आशा जी और मीना जी ने साथ में गाया था। और मैं चाहूंगा कि एक निल्या अभाली का जरूर थोड़ा सा हिस्सा हम सुन लें, अगर आप चाहें तो। जी, क्योंकि जी। क्योंकि जिन लोगों को मराठी का एक्सपोजर नहीं है उनको भी पता चलना चाहिए कि लता जी का क्या जी। और एक चीज मैं साथ में बता दूं कि जो उनकी आप मोहित्याची मंजुला का म्यूजिक सुनेंगे, आप देखेंगे उसमें जो, जैसे अभी ललित भाई ने बहुत खूबसूरत बात की कि वो सबसे सीखती थी। मैंने एक चीज नोटिस की है कि उन्होंने अपने म्यूजिक में, वो जब सी रामचंद्र के लिए गाती थी तो सी रामचंद्र से सीखा, सलील चौधरी से के साथ गाती थी तो सलील चौधरी के साथ वो म्यूजिक कंपोजिशन में भी वो सीखने का काम करती थी। आप जब एक गाने पे हम आएंगे जब उनकी अगली फिल्म पे, तो मैं उसके कुछ एग्जांपल्स लूंगा कि किस तरह से उनके संगीत में बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन उनके संगीत में संतूर का बहुत खूबसूरत उपयोग मिलता है। और शिव कुमार शर्मा जो थे, ये उनके अपने करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने लता जी के लिए एज ए म्यूजिक म्यूजिशियन संतूर बजाया है, उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा सुनेंगे। पर पहले हम इस बहुत खूबसूरत गीत है निल्या अभाली, इसको सुन लेते हैं जय श्री कटकर पर। जी जी जी, आवाज अगर
आ रही हो? देखिए संतूर है, समय की वजह से हम केवल कुछ सुनेंगे, लेकिन दर्शकों से डेफिनेटली अपील करेंगे कि वो डेफिनेटली इसके बाद जाके लता जी की अगर एज ए कंपोजर गीत इन गीतों को सुनेंगे तो बड़ा मजा आएगा। बहुत खूब पवन साहब, आपने तो हमारे आज के कार्यक्रम में जान फूंक दी। अच्छा अमित साहब, कुछ और यादें आ रही हैं? हाँ देखिए, एक बात काफी आम फहम है कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने कहा था कि ये कमबख्त एक सुर नहीं छोड़ती। तो ये बात बहुत लोग जानती। मुझे याद है कि एक बार चेतन साहब के गाने की रिकॉर्डिंग थी और शायद मदन मोहन का म्यूजिक था, तो मैं चेतन साहब से बात कर रहा था, तो वो मुझे उन्होंने कहा कि तुम देखना कि ये एक ही सिंगर है पूरे इंडिया में जो ओरिजिनल कंपोजर से बेटर गाती है। अच्छा मतलब कि अगर बर्मन दा ने कोई कंपोजर किया गीत, या चित्रगुप्त जी ने किया, या शंकर जयकिशन ने किया, बिल्कुल सही बात है, तो वो बाकी लोग जो थे वो उसको कॉपी करेक्ट कर लेते थे। मतलब चाहे वो किशोरदा हो, रफी साहब हो, आशा जी हो, वो कॉपी करते थे करेक्ट, जो कंपोजर ने कंपोज किया वो उसको गा देते थे सही। बट लता जी में एक बात थी कि एक मुर्की, एक छोटी सी हरकत, एक जो जो मजू साहब ने अपनी नज्म में कहा है वो बिल्कुल सही है कि वो जो है ना अल्फाज को समझ के गाती थी। बिल्कुल वो बहुत कम सिंगर हैं, और मतलब आज के यंग सिंगर्स बहुत बढ़िया गा रहे हैं, पर मेरी उनसे यही शिकायत है कि आप सिर्फ अपना जो म्यूजिक का एक टोन है उसको देख के आप गा रहे हैं कि इसमें रिदम ऐसा है या ऐसे इस सिचुएशन का। वो कोई भी जो लफ्जों की अहमियत है उसको नहीं समझता, तो जो ये बहुत बड़ी बात है उनमें। और दूसरा एक मैं मुझे बड़ा मजाहिया किस्सा याद है, वो मनपसंद से ही जुड़ा है, तो उसमें जी आपको शायद कहानी मालूम है पिग्मेलियन पे बेस्ड, तो उसमें वो टीना जो मुनीम है वो गाना कुछ सीख रही है, तो जब वो शुरू में था तो वो जी हाँ, तो वो किशोर दा और लता जी गा रही थी, तो मैंने बड़े डरते डरते मैंने पहले राजेश रोशन से कहा कि यार ये तो इसका ये पोर्शन गाने का तो तब आएगा जब वो लड़की बिल्कुल रॉ है और ठीक से गा नहीं रही है, तो कहने के भाई मैं तो नहीं कहूंगा ये, तुम जाके गाओ। तो मैंने कहा दीदी एक रिक्वेस्ट है कि ये शुरू में आपने देखी होगी माय फेयर लेडी और उसमें भी ऐसा, तो मुझे कह ली कि मेरे करियर में ये पहली बात है कि कोई आदमी मुझे कह रहा है बेसरा होगा। होटों पे गीत आए वो उस गाने का नहीं नहीं ये है वो चारू चंद्र की चंचल चितवा। अच्छा अच्छा तो
तो वो हंसने लगी और किशोर। और एक और उन्होंने जो आपने जिक्र किया था नया जॉनी में, तो उन्होंने एक गाना गाया था, वो सिचुएशन ऐसी थी कि जिसमें ओरिजिनल एक पोर्शन गाने का उसमें वो हम करते हैं दोनों देव साहब और दूसरी हीरोइन, जो गाना ओरिजिनली लता आशा जी ने गाया किशोर दा के साथ। तो किशोर वो कह लगी दादा आप गाके बताओ कि मैं ठीक गा रही हूँ कि नहीं, तो हाल कैसा है जनाब का जी। वो उन्होंने उसमें हम किया था जी। सब क्या कहें लता जी से, मतलब हर अच्छा गाया आशा जी ने था और दीदी ने हम किया उसमें, हम किया ओ अच्छा। तो अब मतलब उनके आप बहुत जैसे इसने ललित ने अभी कहा कि वो उनका जो निजी जीवन है उससे बहुत कम लोग वाकिफ हैं। वो एक खुश मिजाज और बहुत जिंदा दिल थी जी। और लेकिन वो ये लिबर्टी जिसको देती थी इसका मतलब वो बहुत खास आदमी जी। ऐसा नहीं था कि हाँ मतलब बिल्कुल, ये मिलन भी इस बात को दोहराएंगे कि वो कोई जिनको ये प्रिविलेज मिला कि वो लता जी के साथ इनफॉर्मली बात कर सकें या मिल हाँ, सकें, वो बहुत कम लोग हैं। वो बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स को भी उन्होंने ये प्रिविलेज नहीं दिया था। और कभी वो देखिए इतने गाय, एक समय था मतलब जब मैंने गीत लिखना शुरू किया उससे थोड़ा कुछ पहले, कि वो दिन में चार चार पांच पांच रिकॉर्डिंग भी करती है इतने ज्यादा, लेकिन कभी लेट नहीं आई। बाकी सब सिंगर लेट हो जाते थे, लता जी जो बोलती थी, और अगर लेट हो रही है क्योंकि पहले रिकॉर्डिंग के कंपोजर जो हैं वो उनका कुछ भी थे, तो फोन आता था कि दीदी फंस गई हैं गाने में और एक घंटा लेट आएंगी। कुछ और कुछ लोगों के लिए उनका मतलब मैंने उनसे एक आध बार बात की थी, तो मिलन को इस बात की खुशी होगी वो चित्रूप जी को बहुत मानती थी और मदन जी का तो रिलेशनशिप आप जानते ही हैं, उनको भाई मानती थी। हाँ मदन भैया बुलाती थी। और जय किशन से उनका अच्छा रिलेशन था, वो हमेशा तारीफ करती थी। लक्ष्मी जी के साथ बहुत अच्छा था, लक्ष्मी जी को तो उन्होंने जब वो 11 साल के थे बहुत हेल्प किया। मैंडोलिन का ब्रेक वो ये मैंडोलिन बजाते थे जी जी, और उनको उन्होंने पहली बार चांस दिलवाया था फिल्मों में, जिसमें एक 12 साल का बच्चे ने मैंडोलिन बजाता था, और उनको काफी गरीब फैमिली से थे। और इसी उसी दौरान उन्होंने प्यारे भाई को भी पहली फिल्म दिलाई एज अ वायलिनिस्ट। और आप दोनों तो कंपोजर्स हैं, यहाँ एक चीज का उनको मैंने ये ऑब्जर्व किया था कि सॉन्ग वायलिनिस्ट जो होता था वो उसके लिए बहुत बहुत इंसिस्ट करती थी। हाँ, बहुत जरूरी था वो, क्योंकि वो कहती थी ये देखो इसने अगर गड़बड़ कर दी तो मैं कंफ्यूज। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था अमित जी, ये जो कभी खुशी कभी गम का गाना हम लोग कर रहे थे तो सॉन्ग वायलिनिस्ट को बुलाना भूल गए, क्योंकि हाँ, बाकी सिंगर तो कोई यूज नहीं करता नहीं। था तो लता जी सडनली आ गई थी कि आज करूंगी मैं, क्योंकि अक्सर वो कट कर देती थी, मतलब कैंसिल कर देती थी कि आज तबीयत ठीक नहीं, आज नहीं गाऊंगी, ऐसे ऐसे करके 5-6 बार कट मतलब कैंसिल हो जाती थी, तो फिर एक बार आ जाती थी। तो जिस दिन आई उस दिन सॉन्ग वायलिनिस्ट नहीं आया, तो उन्होंने मुझे बोला तुमने सॉन्ग वायलिनिस्ट नहीं बुलाया, अब तुम मेरे साथ बाजा बजाओ, तुम बाजा बजाना। तो रिमेम्बर कि मैं बाजा बजाते बजाते सुन भी रहा था, तो एक मेरा गलत नोट लग गया, तो उसमें इतनी जोर से हंसी वो रिकॉर्डिंग में वहां पे कैंसिल किया। और बहुत अच्छे अच्छे मेरे को तो बहुत ही बहुत याद आती है और बहुत अच्छी यादगार है उनकी। मिलन साहब आपको क्या याद आ रहा है? अमित जी ने जैसे कहा ना उनके एक दो ही फेवरेट सॉन्ग वायलिनिस्ट थे उनके ही साथ, जोक जोक साहब थे, एक प्रभाकर जोक था, प्रभाकर जोक है, किशोर, और स्टेज पर भी, लालवानी करेक्ट, स्टेज पर भी जब परफॉर्म करती थी
तो उनको अनिल मोहिले चाहिए, अनिल मोहिले ऐसा रहता था लास्ट तक, यू नो उनके फेवरेट्स थे ये सब। और मैं एक चीज विजय जी ऐड करना चाहूंगा, अमित जी जो बोले उस पर, कि करीब 2-3-4 साल पहले एक बार उनके घर गए थे हम लोग, तो वी वर द अमंगस्ट द लकी फ्यू कि वो सीधे बेडरूम में ही बुला लेती थी, हम लोग वहां बैठते थे। तो मैं, मेरी वाइफ और मेरी दो बेटियां हैं रितिका रिया, तो इन लोग साथ थे। द एल्डर वन रितिका इज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, यंगर वन इज डूइंग अ ग्रेजुएशन। तो लता आंटी हम लोग को बेड पे ही बैठाई, मेरी वाइफ को बोली नहीं मेरे बेड पे बैठो, फिर मुझे पकड़ के और 3D पिक्चर एक दिखाई कि देखो इधर से मेरे पिताजी नजर आ रहे हैं, इधर से देखो तो माई नजर आ रही है। बेडरूम में लगा हुआ। तो हम लोग जब बैठे तो रितिका को, बड़ी बेटी को, शी इज अराउंड 29 नाउ, बोली कि बेटा तुम मेरे बारे में सुनो, मैं तुमको बताना चाह रही हूँ। मैं 13 साल की थी जब मेरे पिताजी गुजर गए, और 4 बहन और 1 भाई मेरी जिम्मेदारी थी, और मैंने 13 साल से इसलिए काम किया कि हम लोग को कमाना था, खाना था, पैसे नहीं थे। एंड बिलीव मी, ये उनका कहावत, अपने अपने आप उन्होंने बोला है कि हम लोग जब स्टेज पे परफॉर्म करते थे, पिताजी जब उनके थे और उसके बाद जब उनके पिताजी का डेथ हो गया, तो बोलते थे कि स्टेज खत्म करके हम लोग, चाय आती थी और चाय सबके लिए मिलती थी, और बीच में कुरमुरा रखा जाता था, हम लोग कुरमुरे को चाय में डुबा के और पीते थे, और उससे पेट भरते थे हम लोग। तो तुम बेटा काम, मेहनत करो, मेहनत करोगे तो एवरीथिंग इज अचीवेबल, उन दिनों की वो याद करी थी। तो अमित जी ने जो कहा ना, तो ये कई बार पप्पा से भी बोली है, हम लोग से भी इस बारे में जिक्र किए हैं कि शी इज टू ट्रेवल माइल्स टू लर्न उर्दू लैंग्वेज, नो बाय ट्रेन ललित, शी गो फ्रॉम वन एंड टू द अदर, आई डोंट नो फ्रॉम व्हिच प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम ग्रांट रोड टू मलाड, और वहां जाके उर्दू सीखती थी। और इसके लिए उनका जो प्रोनाउंसिएशन और सब है, क प, कोई गलती नहीं होती थी, लगता ही नहीं था। अदरवाइज कोई भी सिंगर गाता है तो नेटिविटी थोड़ी आ जाती है कि ये बंगाल का है यार। आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, बट यू आर राइट, आई अंडरस्टैंड। ये बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि ये उर्दू सीखना उन्होंने कब शुरू किया और कैसे किया। 14-15 साल की थी। नहीं नहीं, पर कैसे हुआ ये? वो दिलीप साहब ने कुछ कहा था, और फिर वो शफी भाई ने एक टीचर रखवाया था उन्होंने, जो की नौशाद साहब के असिस्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, हम सभी के जहन में बहुत सारी बातें हैं, और हमें मालूम है कि किसी के दिल की प्यास बुझी नहीं है, लेकिन अब आप चाहें तो रात भर बातें कर सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि अब बहुत सारी बातें हुई हैं, एक बात सिर्फ कहनी चाहूँगा, सबों को बहुत कुछ कहना है, एक बात सिर्फ कहनी चाहूँगा कि हम जो मेरे ख्याल से जो अपने फिल्म इतिहासकार हैं पवन साहब, वही जयपुर से बात कर रहे हैं, बाकी अच्छा अमित साहब भी दिल्ली से बात कर रहे हैं, बाकी हम सभी मुंबई से बात कर रहे हैं। जो मुंबई के बाहर के लोग हैं, मिलिंद साहब और ललित जी, उनका तो एकदम एक ही वन पॉइंट एजेंडा है कि प्रभु कुंज को एकदम म्यूजियम बना दिया जाए। बंबई के जो लोग होते हैं वो इस पे एकदम बिल्कुल एक मत तो नहीं होते, लेकिन बाहर के लोग, बंबई के बाहर के तमाम लोगों का एक ही वन पॉइंट एजेंडा होता है, अगर राजेश खन्ना गुजर गए तो राजेश खन्ना के घर को है जो बना दीजिए, अगर कैफी आजमी साहब गुजर गए तो उनके घर को म्यूजियम बना दीजिए, लता जी गुजर गई तो क्या क्या आप सोचते हैं आप लोग कि क्या लता जी के घर को, अमित साहब मैं क्या कह रहा था कि आप दिल्ली से बात कर रहे हैं, जयपुर से बात कर रहे हैं, इतिहासकार जो हमारे हैं, बंबई से जो बाहर के लोग हैं, लेकिन आप लोग तो मुंबई में ही रहते हैं, जो बंबई के बाहर के लता मंगेशकर जी के फैंस हैं, उनका वन पॉइंट एजेंडा है कि लता मंगेशकर जी के घर को म्यूजियम बना दिया जाए, लेकिन जो बंबई के लोग हैं वही उसमें दो राय भी रखते हैं, जब राजेश खन्ना गुजरे या कोई भी गुजरे, कैफी आजमी गुजरे या साहिर गुजरे, तो वन पॉइंट एजेंडा कि भाई साहिर के घर को म्यूजियम बना दो, राजेश खन्ना के घर को म्यूजियम बना दो। अब लता जी के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरे मेरे विचार, सॉरी हाँ बोलिए, मेरे विचार इस सिलसिले में बिल्कुल स्पष्ट है, और मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था जब ये राज कपूर साहब का
डब्बू ने और चिंटू ने उनका स्टूडियो बेच दिया था जी, जी। तो बहुत उस पर हंगामा हुआ था कि ये कैसे बेच दिया इन्होंने। तो मैंने वो एक आर्टिकल में ये लिखा था कि राज कपूर का विरसा जो है वो एक बिल्डिंग नहीं है, वो फिल्में हैं, वो जिनको उन्होंने एक मतलब ताउम्र जावेदाम सब ये फिल्में हैं। तो ये है कि म्यूजियम, लता जी को म्यूजियम की कोई जरूरत नहीं है। मतलब आप ये जैसे राज कपूर को या गुरुदत्त या कोई भी, अब मतलब दिलीप कुमार साहब को क्या म्यूजियम में बनाएंगे आप, फिल्म के पोस्टर लगा देंगे। अरे सर ये शख्सियत जो है ये इतने बड़े हैं, इतने ये दीज आर जायंट्स, ये तो मैं मतलब हम लोग को बहुत प्रिविलेज फील करना चाहिए जो उनके साथ काम किया है। बिल्कुल, मतलब ये तो एक बड़ी हम लोग तो तीन तो जो यहाँ बैठे हैं हम तो मतलब इस बात पे हमें फख्र करना चाहिए यार, हमें मौका मिला। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है यार। मतलब हम उस दौर में पैदा हुए कि जब लता जी गाती थी, और ना सिर्फ गा रही गाती हमारे हमारे गाने भी गाए। देखिए ये कौन कह सकता है, ये आज की डेट में 5-6 लोग हैं। तो इस खूबसूरत नोट के साथ इसी नोट और एक बात और कहना चाहूंगा, देखिए प्रभु कुछ तो हिस्टोरिक जगह है, परसों से हिस्टोरिक जगह है, वहां लोग रहते हैं, वहां लता जी की अपनी यादें हैं, उसको हम क्यों पब्लिक बनाया, उसको वैसे ही रहने दीजिए। बहुत अच्छी बात कही अमित जी आपने। और देखिए लता जी का मंदिर हर घर में है, क्या हर घर में सुर मंदिर, घर नहीं देखिए घर में नहीं, हर मन हर दिल में, दिल में सब है। मन में दिल में है जी जी जी। वाह 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 वाह, जो रूहानी इज्जत है उससे ऊपर कोई कोई साकार नहीं हो सकता कि एक म्यूजियम बना। वाह, इस प्रभु कुंज से उस प्रभु कुंज में तुम भी मिल ही गए, शक्ति के पुंज में किससे पूछूं बता, अब लता का पता। तो हम इसी नोट पे आज के कार्यक्रम की समाप्ति करें, अगर आप सभी की इजाजत हो तो। बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी लोग आए, और आपने कितनी हसीन शाम आज की बना दी। उफ कैसा दिन हो रहा था, तबीयत नहीं लग रही थी, आज शाम को लता जी की क्या बात हुई कि जिंदगी अभी बहुत देर तक हसीन रही।